30,000 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज दिल्ली के जामा मस्जिद पहुंचे और समर्थकों के साथ एक बार फिर नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध करते दिखे। जेल से छूटे, विरोध में उतरे, कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन। चंद्रशेखर का क्या है इरादा? CAA को लेकर जहां देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नेता इस पर अपनी राजनीति चमकाने से गुरेज नहीं कर रहे। गुरुवार को सशर्त जेल से छूटे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जुम्मे के दिन जामा मस्जिद पहुंचे और नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध किया। ये हम सब लोगों का देश है, इसकी एकता अखंडता को भाईचारे को मनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। और ये संदेश इसलिए यहाँ से दे रहे हैं क्योंकि सरकार सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हम यहाँ संघर्ष करने आए हैं, एक पैगाम देने कि मुल्क की एकता से बड़ा कुछ नहीं है। तो हम सब लोग यहाँ से देश के अमन, चैन, भाईचारा, मुल्क की एकता के लिए कायम है और विश्वास दिलाते हैं कि हम एकजुट होकर अपने मुल्क की सुरक्षा करेंगे। बता दें कि आज जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध हुआ, जो कि पिछले एक महीने से हर शुक्रवार को हो रहा है। दरअसल 20 दिसंबर को भी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद CAA के विरोध में जामा मस्जिद पहुंचे थे, तब उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जहां चंद्रशेखर काफी दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन 16 जनवरी को 30,000 कोर्ट ने जमानत दे दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और 4 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर ही रहेंगे। इसके अलावा उन्हें हर शनिवार को सहारनपुर SHO के सामने हाजिरी लगानी होगी। बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद आज एक बार फिर से न सिर्फ जामा मस्जिद पहुंचे, बल्कि CAA के खिलाफ हो रहे विरोध में शामिल भी हुए। और अब उनकी मौजूदगी ये साफ जाहिर कर रही है कि दलितों के हीरो बन चुके चंद्रशेखर अब अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ बनाने को बेकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।